आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ओशियन है जिसको मास्टर करने में कई साल लग सकते हैं, और जो एक घंटे में जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज है, जो कुछ भी ओवरव्यू है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम एक घंटे में कवरअप करेंगे, ताकि आपको लगे कि इसमें आगे कुछ है जिससे हमारा करियर बन सकता है या हम आगे जाके फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा कमा सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन। आई एम चंद्रकांत तुरारे। आई एम ए स्टॉक मार्केट मास्टर कोच एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्टॉक मार्केट अकेडमी। आई गॉट ओवर 25 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एट द ग्लोबल लेवल्स इन जॉन डियर्स एज वेल एज द आई आई टी बॉम्बे। एंड सिंस लास्ट 12 ईयर्स आई हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन टू द फाइनेंशियल मार्केट। इट्स नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट बट बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑफकोर्स द स्टॉक मार्केट। इन ईयर 2020 आई इस्टेब्लिश स्टॉक मार्केट अकेडमी एंड आवर मिशन वॉज वेरी क्लियर। वी वॉन्ट टू एजुकेट पीपल ऑन द फाइनेंशियल मार्केट, मेनली द स्टॉक मार्केट एंड हेल्प देम टू ग्रो। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव वी स्टार्टेड ऑफरिंग वेरियस ट्रेनिंग्स एंड ऑल्सो एजुकेटिंग पीपल्स ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल्स अवेयरनेस कितना है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस, मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल्स, मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ एन्जॉयमेंट्स। इसलिए वी ऑल आर वर्किंग। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, ओके, एंड एवरीबडी वॉन्ट टू ग्रो देयर मनी। अगर आप एजुकेशन लिटरेसी की बात करते हैं, इंडिया में एजुकेशनल लिटरेसी काफ़ी बढ़ गई है। इट इज़ मोर देन 80% नाउ। इट्स अ वेरी गुड, ओके। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अभी काफ़ी वीक है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी देखते हैं तो जस्ट 20% है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ में दैट इज़ ऑलमोस्ट 60-70%। तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उनको पता होता है सेविंग कैसे करना, लेकिन सेविंग से हमारा काम नहीं होगा, सेविंग से पैसे ग्रो नहीं होते। इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। लोगों को पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि है, पता है, लेकिन उनका जो नॉलेज है एट अ वेरी लो लेवल होता है, जिनके कारण कई बार उनको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट पिछले 10-15 साल में इसमें काफ़ी अवेयरनेस आया गया, और पहले देखेंगे 10-15 साल पहले ज़्यादा तो लोग सिर्फ जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स थे, जैसे पोस्ट ऑफिस थे, बैंक्स में डिपॉजिट करते थे। आज वैसा सिचुएशन नहीं है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर इंटरेक्टिंग, सोशल मीडिया, जिसके कारण इसमें काफ़ी अवेयरनेस आया है। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप जानते हैं डिपॉजिट ये ट्रेडिशनल ऑप्शन है, अभी भी कई सारे इंडियंस एक तो बैंक में या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं। और आपको भी पता है कि अब जब बैंक में और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 6-7% है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के बारे में अभी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी काफ़ी बदलाव आ गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड, जिनको स्टॉक मार्केट नहीं आता है और जिनको एक फ्लो ऑफ रिटर्न चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, विच इज़ मच बेटर देन द फिक्स डिपॉजिट, उनके लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस, लोग अभी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस में भी अभी काफ़ी अच्छे प्लान्स आ गए, जिसमें आप इंश्योरेंस के माध्यम से आपके पैसे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जो गोल्ड्स, इंडिया में गोल्ड्स एक ऑर्नामेंट के तहत रखा था, लेकिन अभी लोगों का जो अप्रोच है गोल्ड की तरफ बदल हो गया है, जिसमें आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, और गोल्ड में भी अच्छे रिटर्न्स है, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 10-12% रिटर्न्स आ जाते हैं। बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और कुछ इंथ्यूजिस्टिक लोग है क्रिप्टोज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यू विल सरप्राइज टू नो दैट इंडिया इज़ द हाईएस्ट इन्वेस्टर इन द क्रिप्टोज। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस गवर्नमेंट रेगुलेशन, अभी भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टोज में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के अपने पास कई ऑप्शंस है, लेकिन हमें एक दो ही ऑप्शंस पता होते हैं। और जहाँ तक ये वेबिनार का सवाल है, हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो इफ़ यू आर सेइंग टुडे व्हाई स्टॉक मार्केट्स
व्हाई पीपल आर ज्वाइनिंग द स्टॉक मार्केट. इफ यू गो बैक टू द 2020, जब स्टॉक मार्केट में 4 करोड़ लोग थे और पिछले 50 साल में जो डीमैट अकाउंट थे 4 करोड़ बन गए थे, लेकिन सिंस 2020 टू 2024 पिछले 4 साल में इसमें डीमैट अकाउंट में करीब 3 गुना बढ़ावा हो गया. अब 12 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में हैं, उसमें काफ़ी महिलाएं हैं, महिलाएं की संख्या बढ़ गई है, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल वुमन्स है, हाउस वाइफ्स है, हाउस मेकर्स है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल तो काफ़ी है. तो पिछले 4 साल में ऐसा क्या बदलाव आ गया स्टॉक मार्केट जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में दिन पे दिन बढ़ ही रहे? तो दिस शोज पीपल आर मोर इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. पीपल आर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, बट आर दे मेकिंग द मनी और वेयर दे आर गोइंग द मनी दे आर गोइंग, तो इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा. अगर स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री देखते हैं, जैसे कि 1979 में इंडिया में स्टॉक मार्केट शुरू हो गया, इसके पहले भी स्टॉक मार्केट का जब अंग्रेज थे, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आ गई, इंडिपेंडेंस आ गए, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग विचार थे कि स्टॉक मार्केट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये गैम्बलिंग है सारा. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड स्टॉक मार्केट इन 1979 जब सेंसेक्स था. सेंसेक्स मीन, जैसे आप लोग जानते हैं कि कभी आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, आप लोगों से सुनते होंगे या पढ़ते होंगे कि सेंसेक्स आज 100 गुना 100 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गए या 200 पॉइंट्स नीचे आ गए. ये इंडेक्स है, इससे पता चलता है कि स्टॉक मार्केट किधर जा रहा है. जो स्टॉक मार्केट 1979 में 100 पॉइंट्स तो आप 70,000 के ऊपर गया है. अगर किसी ने, आपके पास ऑप्शंस थे 1979 में, जैसे कि आज से करीब 20 साल पहले, 20-25 आज से 40 साल पहले, कि अगर आपके पास 10,000 रुपये थे और आप 10,000 रुपये अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट करते, तो जो रेगुलर फॉर्म था, जो बैंक डिपॉजिट, जहां पर उस समय 8% रिटर्न मिलता था, 10,000 के आज करीब 2,68,000 बन जाते, गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा बनते 4 लाख बन जाते. अगर वही किसी ने 1979 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो उसके आज 45 लाख बनते 10,000 के. और जिस तरह से इंडिया ग्रो हो रहा है, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अगले 10 साल में इंडिया का स्टॉक मार्केट 2 लाख पॉइंट तक जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. सो नेक्स्ट 30 ईयर्स इज़ द गोल्डन एरा फॉर इंडिया एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट. ऐसा समय आगे नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपनी अपनी साइकिल्स होती है. जैसे 1980s में जापान स्टार्ट हो गया था, फिर यूरोप स्टार्ट हो गया, फिर अमेरिका आ गया, अभी इंडिया का टाइम है एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम्स. और हर एक कंट्री का जो साइकिल होता है वो 20-25 साल चलता है. इसलिए मैक्सिमम्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, बाहर के लोग है, गवर्नमेंट्स है बाहर के, ये भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो आप देख रहे हैं दिन पे दिन मार्केट सपना बढ़ ही रहा है. तो मार्केट एक नहीं है, मार्केट के अलग अलग रूप है. लोगों को सिर्फ एक स्टॉक मार्केट दिखता है जिसके अलग अलग नाम से भी जाना जाता है. कुछ लोग इक्विटी मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट. ओके, तो स्टॉक मार्केट इज़ द मेन, दैट इज़ द बेस ऑफ एवरी मार्केट. उसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स है. कमोडिटी में जैसे आपके गोल्ड्स है, सिल्वर्स है, नेचुरल गैस, ऑयल्स, इसका भी ट्रेडिंग होता है. और ये मार्केट काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, रात के 11 बजे तक चलता है. जिनको दिन में समय, क्योंकि इक्विटी मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, तो कमोडिटी मार्केट आपको रात को 11 बजे चलता है. करेंसी मार्केट, ये भी जिसमें करेंसी का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे यूरोज है, डॉलर्स है, इंडियन रुपीज़ है. और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें काफ़ी लोगों का लगाव रहता है, या फ्यूचर ऑप्शंस में आपके जो आपका जो प्रॉफिट है उसको कोई लिमिट नहीं है, लॉस की भी कोई लिमिट नहीं है. और आजकल काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, बट बी केयरफुल, अनलेस एंड अनटिल यू गेट दैट स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, वन शुड नॉट एंटर द ऑप्शन ट्रेडिंग. तो कई रूप्स है मार्केट के, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ जाती है, जैसे आपको मार्केट में समझ आता है, तो आप अलग अलग मार्केट में ट्राई कर सकते. नो मार्केट इज़ बैड, बट उसके लिए आपको जो स्किल चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो आना चाहिए. अदरवाइज डजेंट मैटर आप कौन से मार्केट में कर रहे हैं, आपका लॉस होना तय है. तो स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है, और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें करीब
5,000 रजिस्टर्ड कंपनीज है। अगर 5 साल पहले की बात करते थे इतनी कि वहाँ पर टर्नओवर था, डेली टर्नओवर 15,000 करोड़ था, आज वो 1.5 लाख करोड़ हो गए। इसका मतलब ये आप जान सकते हैं कि करीब 10 गुना बढ़ाव आ गया है। तो इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और आप रिसेंटली पिछले महीने में आपने न्यूज़ सुनी होंगी कि इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, सो दैट्स ए ग्रेट थिंग फॉर अस। और इंडिया में आप देखेंगे तो दो स्टॉक मार्केट्स है, एक तो BSE जो सबसे शुरू शुरू है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1994 में शुरू हुआ। और अलग अलग कंपनीज और अलग अलग मार्केट में, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में, और कुछ कंपनीज दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आती है। लोग शेयर्स क्यों बाय करते हैं, शेयर लेने का उद्देश्य क्या है? तो आप जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रहता है तो आपको 6% रिटर्न मिलता है, लेकिन जब आप कोई किसी किसी के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, जैसे रिलायंस के शेयर्स है, सो यू ऑल्सो गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ ए ओनरशिप। ओनरशिप हो सकती है वो फ्रैक्शन में है। अगर आप इसके पास इतना पैसा है कि रिलायंस के आपके 51% शेयर बनते हैं, तो यू कैन ऑल्सो रिप्लेस मुकेश अंबानी। सो दैट इज़ अ पावर, आई मीन्स यू कैन समहाउ बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट। ओके, ऐसा होता नहीं, उनके पास भी काफ़ी पैसा है। दूसरी बात है, अगर कंपनी प्रॉफिट्स करते हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच के प्रॉफिट आता है उसमें से हमें प्रॉफिट शेयर करती है, तो सालाना कुछ ना कुछ डिविडेंड्स के रूप में हमें प्रॉफिट मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास जो रिटर्न्स आते हैं या कैपिटल गेन आता है वो काफ़ी अच्छा होता है। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, अगर कंपनी अच्छी कर रही है तो उसके शेयर्स के भाव काफ़ी बढ़ते रहते हैं। जैसे कि 100 रुपये का शेयर अभी 150 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, और डिपेंड करता है कितने टाइम में बढ़ेगा, कैसे रहेगा, देर आर सो मेनी फैक्टर्स। लेकिन आपको कम समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का शेयर लिया तो 150 ही जाएगा, वो 90 रुपये 50 रुपये भी आ सकता है। सो बोथ वे इट इज़ पॉसिबल कि आपका कैप गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट इफ़ यू आर दैट स्किल एंड एक्सपर्टाइज देन यू कैन हैव मैक्सिमम रिटर्न एंड लेस लॉसेस। तो कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले कई साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं। ओके, आप भी जानते होंगे जैसे इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, HDFC, रिलायंस, iShares। ओके, तो इन कंपनी ने पिछले 20 साल में इतने अच्छे रिटर्न दिए। आप जैसे इन्फोसिस की बात करते हैं कि इन्फोसिस की वैसे स्थापना पुणे में हुई थी 1979 में, लेटर दे मूव टू द बेंगलोर, और 1993 में उनका पहला शेयर आ गया था। और इफ़ यू आर योर पेरेंट्स वर वाइज इनफ एंड इन्वेस्टेड जस्ट 1 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम, आज 25-27 साल के बाद आपके 1,20,000 करोड़ रुपये आपके हाथ में रहते। सो योर नेट वर्थ कुड हैव बीन 20 करोड़, एंड आई डोंट थिंक यू वुड हैव बीन अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ ए वेबिनार्स, परहैप्स यू वुड हैव बीन एन्जॉइंग योर लाइफ। बट उस समय हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, लेकिन आज भी समय गया नहीं है। ऐसे कई कंपनीज है जो मल्टी बैगर्स कंपनी है जिसमें हमारा जो रिटर्न्स काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। जो कुछ मल्टी बैगर्स कंपनी है, पिछले 20 साल के अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे 2000 से 2020 तक, ऐसे कई कंपनीज के जिन्होंने 20 साल में 100 टाइम्स रिटर्न दिए है। इसका मतलब है उनके जो शेयर प्राइसेस है करीब 1 लाख% बढ़ गए, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ टर्न इंटू द 10 करोड़। जैसे सिम्फोनी कंपनी, एक ये एयर कूलर बनाने वाली कंपनी है, नाम आपने जब अभी ज़्यादा सुना नहीं लेकिन उस समय काफ़ी पॉपुलर थी, जिसमें 1 लाख टर्न इनटू द 17 करोड़। बजाज फिन सर्विस जो पुणे में है उनका हेड ऑफिस, 1 लाख टर्न इनटू 12 करोड़। इन्फोसिस का मैंने पहले ही बताया कि जैसे 1 लाख टर्न इनटू 20 करोड़। सो दीज आर द मैजिक जिससे कारण जो लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा बना है और अच्छे कमा रहे हैं। ओके, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री करना है, किसी को नए लोग आते हैं उनको एंट्री करना है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ IPO। जैसे कई नई कंपनी मार्केट में आती है उनको पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा कंपनी के पास कहाँ से आता है? एक तो कंपनी बैंक्स को अप्रोच करे लोन ले, या दूसरा कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाते हैं। और जो नए कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उनके शेयर्स मार्केट में आते हैं तो कॉम्पिटिशन भी काफ़ी होता है और रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। और कुछ समय में, एक हफ्ते में आपके रिटर्न्स मल्टीपल हो जा सकते हैं। लेट से किसी ने टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO नवंबर में अप्लाई किया, अगर लगा है
तो जस्ट इन ए वीक टाइम दे गॉट अ गेन ऑफ 160%। अगर 1 लाख के करीब, आई मीन्स 1.5 लाख, नहीं सॉरी 160 टाइम, इतना बढ़ जाता है पॉइंट्स उसका। तो इस प्रकार के गेन आपको इतने फास्ट बढ़ जाते हैं। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इरेडा रिसेंटली, तो IPO हैज डिलीवर्ड ए फंटेस्टिक रिटर्न्स इन शॉर्ट टाइम्स। अभी जो पिछले 6 महीने में IPO आए, उसमें से 80% IPO काफ़ी सक्सेसफुल रहे, 20% IPO ने कुछ ज़्यादा गेन नहीं दिया, लेकिन जो IPOs आए हैं मार्केट में, अच्छा आपको रिटर्न मिल गया। सो मार्केट में आप देखेंगे कि ये दो जो एनिमल्स है काफ़ी पॉपुलर्स है, जैसे बुल और बियर। बुल का काम होता है, एक सिम्बॉलिक है बट दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वे। जब भी आप कहीं स्टॉक एक्सचेंज में विजिट करेंगे इंडिया में या बाहर भी, आपको एक ऐसा बुल, बड़ा बुल का एक दिखेगा, दैट इज़ अ क्वाइट सिम्बॉलिक मार्केट का, वो इंडिकेटर्स है। बुल का काम होता है शेयर प्राइस को बढ़ाना, जो 100 रुपये का प्राइस है उसको 130, 150। और बियर का काम होता है, जो सेलर्स बोलते हैं उसका काम है मार्केट को गिराना। तो मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, दोनों अपोजिट में काम करते हैं। अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई ना कोई सेल्स कर रहा होगा, ऐसा मत समझे कि कोई नहीं सेल कर रहा है, कोई ना कोई सेल्स कर रहा है। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है। लेकिन जब बायर्स हैवी हो जाते हैं तो मार्केट बढ़ता है, और अभी पिछले 6 महीने में मार्केट काफ़ी बढ़ गया है। ओके, और जब कोरोना के टाइम आप देख रहे थे कि जो सेलर्स हैवी हो गए थे, जिसके कारण मार्केट काफ़ी हद तक गिर गया था, करीब 20-25% मार्केट क्रैश हो गया था। तो ये अपने अपने काम करते रहते हैं। यस, तो मार्केट में जैसे आप देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है, प्राइसेस ऊपर जाते हैं, उसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो सीढ़ी से जाता है, ऐसा एकदम फास्ट नहीं जाता, स्ट्रेट नहीं जाता है, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और जब मार्केट गिरता है तो वो सीढ़ी से नहीं आता, वो एलिवेटर से आता है, लिफ्ट से आता है, इतना फास्ट आ जाता है। और कुछ लोग जब मार्केट गिरता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिस पीपल आर प्लेइंग इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन। जबकि हम स्टॉक मार्केट में खेलते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम एक ही दिशा में, जब प्राइसेस बढ़ती है तो हम जा सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में ऐसा है कि आप जब मार्केट गिर रहा तो आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं। सो दिस पीपल मेक लॉट ऑफ मनी व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। तो अलग अलग स्टाइल्स है मार्केट के, अलग अलग रूप है, और इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज टू प्ले इन टू दैट मार्केट। बट जैसे कोरोना आ गया, कोरोना के समय जो लोग, कुछ लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी सारा पैसा बनाया इसमें। तो ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल्स है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टाइज यू कैन चूज। जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल के ऊपर जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और 15-20 साल पहले ये काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, चार्ट नहीं थे। आजकल तो आप देखेंगे कि तो विद इन द सेकंड्स यू आर गेटिंग द स्टॉक प्राइसेस, उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि सारा कुछ न्यूज़पेपर पे चलता था, लोग पीपल वेर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। कुछ लोग मीडियम टर्म में जाते हैं, जैसे कि 1 साल से 3 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और शॉर्ट टर्म में जैसे एक साल के नीचे हो सकता है, कुछ 1 महीना भी हो, 1 वीक भी हो। सो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट आप उसको अलग अलग ये कर सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, क्योंकि आप शेयर्स को बाय करते हैं और बाद में बेच देते हैं। सम पीपल आर ऑल्सो गोइंग फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में मीन जैसे कि मॉर्निंग में आप खरीद लेते हैं और शाम तक उसको क्लोज करना पड़ता है, शाम तक आपको बेचना ही पड़ता है शेयर, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये अलग गेम है इंट्राडे का। और अभी तो अल्गो ट्रेडिंग का ज़माना आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर के माध्यम से, आई मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसको बोलते हो आप रोबोटिक्स ट्रेडिंग बोलो, यू नीड नॉट टू ट्रेड। तो रोबो आपके बिहाफ से ट्रेडिंग करेगा, काफ़ी सारे उसमें स्ट्रैटेजीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, एंड दिस एरिया इज़ वेरी मच कैचिंग नाउ। और ये अल्गो ट्रेडिंग आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी देखने को मिलता है। और जो क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो मार्केट है काफ़ी फास्ट होता है, और इसको फास्ट जो मूवमेंट होती है उसको कैच करने के लिए यू हैव टू यूज़ अल्गो ट्रेडिंग। सो जब भी हम मार्केट में आते हैं तो 3 चीज़ें हमें बहुत ही काम की होती है, जिसके हमारा सारा कुछ बदल सकता है, जैसे कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट। इफ़ यू गेट अ मास्टरी ओवर दिस 3 थिंग्स, देन डेफिनेटली
यू कैन विन इन द मार्केट। लेकिन इसको मास्टरी आने के लिए इसमें कई साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट सीख लिया और कर लिया, ऐसा इतना आसान मार्केट नहीं है, कोई भी पैसा कमाना आसान नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर बाय करना है, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं कि करीब 5,000 शेयर से कौन सा लेना चाहिए, कि सभी तो ले नहीं सकते हैं, कब लेना चाहिए और कब एग्जिट करना है। लोगों को पता होता है कि एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एग्जिट करना अब उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये अगर चीज़ें हम मास्टर कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर्स की। स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज होते हैं, जैसे कि बैंकिंग के सेक्टर्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बैंक्स होते हैं जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक, सो ऑल दिस कम्स इनटू द बैंकिंग सेक्टर्स। कार कंपनीज, उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बोल सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, हुंडई है, मारुति है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जैसे आप TCS है, इन्फोसिस है। तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग समय चलते हैं, ऐसा नहीं कि सभी सेक्टर एक साथ चले। जब कोरोना आया तो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, उनके स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए थे। 2 साल पहले IT सेक्टर्स अच्छा चल रहा था, अभी IT सेक्टर डाउन है। अभी रियलिटी सेक्टर्स 5 साल पहले आई मीन्स अच्छा चल रहा था, बाद बीच में डाउन आ गया था, और रियलिटी सेक्टर्स जो है अच्छा चल रहा है। तो ये सेक्टर्स के रोटेशंस होते हैं, ये सेक्टर्स के रोटेशन जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम कोई भी सेक्टर में कभी भी एंट्री कर लेते, जब सेक्टर चल ही नहीं रहा तो फिर एंट्री करने में कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार के स्टॉक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, जिसमें आप जो कंपनी का शेयर प्राइस है, कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में है, उससे कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं। जैसे एक लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, दीज आर लाइक एलिफंट, और ये एक स्लो मूव होते हैं, स्लो भी गिरते भी है। अगर पिछले साल का रिटर्न देखेंगे तो उन्होंने 20% रिटर्न दिया है, जबकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स है जो मार्केट में, उनका वैल्यूएशंस जो अगर हम लिस्टिंग करते हैं मिड, तो उसके मुताबिक वो जो स्टॉक्स आते हैं, जिस कंपनीज आते हैं, दिस कंपनीज आर रनिंग फास्ट और गिरते भी उतने ही फास्ट होता है, और ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवर 40% रिटर्न दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले बार भी ये रिटर्न देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई सेक्टर चलने लगता है, चलने के बाद उसको नीचे आना है, लेकिन अब देखेंगे रिटेल ट्रेडर्स यही गलती कर लेते हैं कि कोई सेक्टर चल रहा तो उसी में एंट्री कर लेते हैं और बाद में वो सेक्टर्स नीचे आ जाता है, प्राइस फॉल हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग यू शुड ऑलवेज लुक इन टू दैस, कि जब भी कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसके पीछे न जाने के बजाय जो स्टॉक फॉल हो गया और नीचे से ऊपर जाए उसमें एंट्री कर जाए, अदरवाइज ऊपर जाने के बाद उसको तो गिरना है ही है। लेकिन ये बात नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए या रिटेल ट्रेडर्स के लिए समझ में नहीं आती, एंड देन दे गेट इन टू लॉस। और जब भी हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसको आगे हम जैसे कोर्सेज में भी सीखते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस इट इज़ अ कोर, जैसे कि हमें कंट्री की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, GDP कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है, जैसे कि आज इंडिया की इकोनॉमी देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो उनकी पॉलिसीज भी बदलती है इंडस्ट्री के खिलाफ। RBI जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करता है हर 2 महीने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करता है। उसके अलावा हर एक कंपनी की अपने अपने फाइनेंशियल्स होते हैं, कंपनी के जैसे रिटर्न्स, जो रेवेन्यू कितना आता है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे है, कौन से है, उसका मार्केट शेयर्स, उसका प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। और ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन सीखना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए आपको कोई फाइनेंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं, एनी बडी कैन लर्न इट। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, इसको चार्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं, जिसमें हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं, प्राइस कितनी ऊपर गई, कितने नीचे गए। अलग अलग प्रकार के चार्ट्स आते हैं, जैसे लाइन चार्ट है, ये एक पॉपुलर कैंडलस्टिक चार्ट जो काफ़ी पॉपुलर है स्टॉक मार्केट में। इसके आधार से हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ एंट्री बनेगी, कहाँ एग्जिट करना पड़ेगा, एंड दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स। लोगों को लगता है कि चार्ट मीन्स चार्ट नहीं है, उसको मास्टर करने में कई साल लग जाते हैं क्योंकि इतने सारे वेरिएशंस स्टॉक में चार्ट एनालिसिस में है। जस्ट मैं एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, दोनों एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन दोनों के जो स्टॉक प्राइसेस है, कुछ पुराना डाटा है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस देखेंगे कि
जो रिलायंस है काफ़ी तेज भागता है। अगर उसने पिछला, अगर कोरोना के बाद की बात में 4 महीने ने उसने 100% रिटर्न किया, जबकि लार्सन एंड टुब्रो ने सिर्फ 10% रिटर्न दिया। तो इसका मतलब कोई कंपनी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके शेयर प्राइस उसी रूप से जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि स्टॉक सिर्फ फंडामेंटली अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, आपको टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए। टेक्निकली साउंड मीन्स उसके प्राइसेस हमेशा ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं, जैसे आप प्राइस देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइसेस है, अगर किसी ने देख लिया कि आज 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 100 रुपये का शेयर से कभी वो 95 जाएगा, कभी 91 ऊपर जाएगा, कभी 150, ये वेरिएशंस आते रहते हैं। और ये वेरिएशंस इज नथिंग बट सेंटीमेंट्स, लोगों के सेंटीमेंट्स, जो लोग बायर सेलर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, जिसके कारण वो एक एक पैटर्न बन जाता है, एक कैंडल स्टिक बन जाती है। और जैसे ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब है उस दिन शेयर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। उसी तरह रेड कैंडल भी बनती है, तो ये सारा हमें कैंडल से पता चलता है, मार्केट में इमोशंस कैसे है, सेंटीमेंट्स कैसे है, इसके बेसिस पे मार्केट चलता है। जो प्राइसेस चलती है, और कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। कैंडल स्टिक के ऊपर का आपको बड़े बड़े किताब मिलेंगे, 300-400 पन्ने के किताब मिलेंगे, और उसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे एंट्री करना, कैसे एंट्री करना, कब निकलना है। इट्स अगेन ए बिग टॉपिक। दूसरा है कि पैटर्न्स बनना चाहिए, कि चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं। चार्ट के आप देखेंगे कि अलग पैटर्न्स होते हैं, यम पैटर्न्स होता है, डब्लू पैटर्न्स होते हैं, आप हेड एंड शोल्डर्स होते हैं। ये जो पैटर्न्स आप थियोरेटिकली सीखेंगे तो उसमें बहुत लिमिटेड आपको वेरिएशन मिलता है, जब आप एक्चुअली करेंगे तो उसमें आप हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। और ये वेरिएशंस कैप्चर करना, अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, सीखना, वो बहुत ज़रूरी है। आप कभी रेट्स देखेंगे, फिर उसमें ऊपर बड़े बड़े लेग्स देखेंगे, इतने सारे वेरिएशंस आपको सीखने को मिलेंगे, जिसके आधार से हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट का पता लगेगा। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो नए होते हैं, लोगों को इनको इसकी जानकारी होती है या कम होती है, या उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जिन्होंने इनकी मास्टरी की है, चार्ट पैटर्न्स है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, फिर उसको आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मास्टरी लेने के लिए आपको कई साल मेहनत करनी ज़रूरत है, इतना एक ऐसा नहीं है कि आप महीने भर में या 2 महीने में ये मास्टरी नहीं कर सकते, इसकी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो काफ़ी पॉपुलर था 15-20 साल पहले, अभी भी है, कोई आई मीन अच्छा है, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रही है कि लोगों को रिटर्न ज़्यादा चाहिए, और टेक्नोलॉजी जिस तरह से मार्केट में आई है, और उसको कैप्चर भी कर सकते हैं, और नॉर्मली प्रोफेशनल ट्रेडर ये काम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में कभी कभी देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि एक एक कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी है, मान लीजिए कि उसका पहला साल में रिटर्न 25% दिया, तो स्टॉक ऐसा नहीं है कि हमेशा भागता रहेगा, ऐसा नहीं करता है। जब ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो 25%, 10% हो गया अगले साल, फिर तीसरे साल वो 50% पे चला गया, तो 3 साल में उसने जो रिटर्न दिए 50% दिए, आपके 1 लाख के 1.5 लाख हो गए। लेकिन अगर CAGR निकलते हैं कि सालाना रिटर्न निकलेंगे, तो हार्डली 15-16% रहता है। एंड दैट इज़ द हिस्टोरिकल डेटा फॉर द ऑल द निफ्टी स्टॉक, कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न 15-16% मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार लोग लॉस भी करते हैं, कई लोग लॉस करते हैं, लेकिन जिनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है वो 15-16% तक कमा लेते हैं। बट देर आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो ऐसा नहीं करते, जिनको पता है कि एक साल में अगर 5-6 महीने में 25% उनको प्रॉफिट मिल गया तो वो निकल जाते हैं। और बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस काफ़ी फॉल हो गया, और फॉल होने के बाद उसको ऊपर जाना है, दैट इज़ अ रूल, अगर ऊपर गया तो नीचे आना है, तो नीचे जाने के बाद स्टॉक को कहाँ ज्वाइन करना, दैट इज़ द टेक्निक्स, दैट इज़ द स्किल्स। अगर किसी ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो यहाँ से निकल जाएगा, 10-15% प्रॉफिट लेके वो निकल जाता है, फिर छोड़ जाता है, दूसरा स्टॉक लेता है। इस प्रकार जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उनके जो रिटर्न्स है वो 40-50% तक बन जाते हैं। बट दिस रिक्वायर्स ए आई मीन प्रोफेशनल अप्रोच, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी, उनकी मास्टरी होती है, स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, और उसके साथ वो रिटर्न्स भी उतने ही बनाते हैं जो कि आपको आई मीन अच्छे तरह से प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, नहीं, प्रॉफिट नहीं है, मार्केट में अच्छे अच्छे लोग भी लॉस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपने अपने हिसाब से चलता है।
क्योंकि देर आर करोड्स ऑफ पीपल इन द मार्केट, आप अकेले नहीं है, तो एनी थिंग कैन हैपन इन द मार्केट एनी टाइम्स। तो हम प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं, हमें लगता है कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है कि लॉस। अगर हम लॉस को कंट्रोल पा गए तो हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। और मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक ही ये मार्ग है कि आप लॉस को कम कर दो। लॉस कम हो जाते हैं, स्लोली स्लोली लॉस कम होते जाएंगे आपके, तो प्रॉफिट बनना बनना पड़ेगा। और लॉस को कंट्रोल करना है मीन स्टॉप लॉस लगा के करना है मार्केट में काम। लेकिन कई लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस नीचे आ गया तो बोलते हैं कि अभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाता है और सोचते कि ऊपर जाएगा, तब तक के शेयर्स काफ़ी हद तक नीचे चला जाता है और इसके कारण हमारे लॉसेस बढ़ती जाते हैं। अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग द स्टॉप लॉस, अगर सही समय से मार्केट में लॉस लेके निकलना एक भी एक एक उसको स्किल है, लेकिन लोगों को लॉस लेना पसंद नहीं होता, तो जिसके कारण उनके लॉसेस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। लॉस तो लेना ही है, कोई ऐसा कोई ट्रेडर नहीं, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर मास्टर ट्रेडर नहीं जिनको लॉस नहीं होता, लेकिन वो लॉस को लिमिट करते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते रहते हैं। दैट इज़ हाउ दे वर्क। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जैसे एग्जाम्स में हम 90-95% मार्क मिलाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पर हमें 60-70% भी मार्क मिल जाते तो देन यू कैन स्टिल मेक ए लॉट ऑफ मनी। और दुनिया के जो सबसे सफल ट्रेडर्स है उनका भी यही कहना है कि अगर मार्केट में आप 60-70% सक्सेस मिलता है, स्टिल यू कैन लॉट ऑफ मनी। 98 कोई बोलता है कि 70-80-90% जाता है, दैट इज़ लाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ये होता भी नहीं है। लेकिन हमें एक आदत लगती है कि एग्ज़ाम में हमें 90-95% मार्क मिल गया और वही सेम एटीट्यूड से हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि अगर आपने 10 स्टॉक लिए तो उसमें से हो सकता है, अगर आप एक्सपर्ट है अच्छे ट्रेडर्स है, तो 6-7 स्टॉक आपके विनिंग में चले जाएंगे और 3-4 स्टॉक आपको लॉस में लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब स्टॉक लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से ऊपर जाने वाले हैं कौन से नीचे जाने वाले हैं। लेकिन जो नीचे जाने वाले स्टॉक्स है उसमें हम स्टॉप लॉस लगा के जल्दी निकल जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्क लेते हैं, और जो ऊपर जाने वाले उसमें हम हमारा जो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसके कारण अगर हम डिफरेंस देखेंगे लॉस और प्रॉफिट का तो हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अ वे यू हैव टू मैनेज। अगर ये सिंपल सिंपल चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं और हम प्रॉफिट कम करते हैं, लॉसेज ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण लॉसेस बढ़ते जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी है। अगर आप देखेंगे 1979 से अभी 2024, कई बार स्टॉक मार्केट में ऐसे अप डाउन्स आ गए। आप देखेंगे 2008 में जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे तो स्टॉक मार्केट 25% गिर गया था। और रिसेंटली जैसे कोरोना के समय फेब्रुआरी में स्टॉक मार्केट पीक पे था और मार्च में स्टॉक मार्केट करीब 25% क्रैश हुआ था। लोग सारे लोग पैनिक में आ गए थे, घबरा गए थे, जिन्होंने लोगों ने बेच दिए अपने शेयर्स और उनका करीब 20-25% लॉस हो गया, 20% लॉस। लेकिन जिनको पता है कि मार्केट का साइकिल क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या घबराते नहीं है, उनको उसी समय 2-3 महीने में 70% का भी प्रॉफिट हो गया। दिस पीपल आर नोइंग कि जब मार्केट नीचे आ जाता है तो मार्केट नीचे आने के बाद वो बाय करते हैं, दैट इज़ द रूल दे फॉलो, और बाय करने के बाद उन्होंने कुछ 3-4 महीने में भी 70% प्रॉफिट कमाया। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ आपके नॉलेज एंड स्किल काम नहीं आती, मार्केट में साइकोलॉजी काफ़ी काम आती है। ओके, और आपको एक इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई इमोशंस आपको डिसीजन को इम्पैक्ट कर देगी। जैसे कि कोरोना आ गया, फियर आ गया, फियर आने के बाद एक पैनिक सिचुएशन तैयार हो जाती है, हर्ड मेंटेलिटी बनती है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और जैसे किसी के बाद किसी शेयर्स बढ़ गए, अब ऑलरेडी आप 30% प्रॉफिट में, उनको लगता है कि अभी और प्रॉफिट लेंगे, ग्रिड में आते हैं और फिर प्राइस फॉल हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इट टेक्स टाइम्स। और दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि आपके जो माइंड सेट एंड साइकोलॉजी, दिस कंट्रीब्यूट टू द 50% ऑफ योर सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। आप कितने भी टेक्निकली साउंड हो, कितना भी नॉलेज हो, स्किल है, अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है तो आपके जो प्रॉफिट है 50% कम हो जाएंगे। तो दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर्स, और हम अपने हर एक ट्रेनिंग में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, किस तरह से हमारा बिहेवियर चेंज होगा, साइकोलॉजी चेंज होगा, माइंड सेट चेंज होगा। अगर ये नहीं होता तो आपका कोई आप उसके ऊपर
कुछ नहीं कर सकते, आपके प्रॉफिट्स बनेंगे ही नहीं है कितना भी होने के बाद। तो दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर इन द स्टॉक मार्केट कि किस तरह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के काम करें। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट होना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो आप स्कूल में सीखे हैं। मैंने कहीं मेरे एक गुजराती फ्रेंड देखे जो 10वीं 12वीं और स्टॉक मार्केट में कई सालों से और कई करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, और जो फाइनेंस का है तो बेसिक फाइनेंस नॉलेज वो हम सीखते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें कोई सीए नहीं बनना है। तो मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे हमें सक्सेसफुल रहे, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, बिजनेसमैन, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई इन सारे लोगों को, अलग अलग वेरियस वेराइटी लोगों को, अलग अलग डोमेन से उनको ट्रेन करने की, एंड दे आर डूइंग वेल। ओके, हाँ, अगर आप देखेंगे तो ट्रेडर्स की लाइफ साइकिल होती है, जब भी लोग मार्केट में आ जाते हैं, वीडियो देखते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको लगता है कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही बनता है, वो नोवाइस ट्रेडर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ आप मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन कहीं लॉस के साथ वो निकल जाते हैं, मार्केट उनको निकाल देता है, वो सीखने के मूड में ही नहीं रहते। दूसरे जो ट्रेडर्स है, जो अमेच्योर ट्रेडर्स है, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इधर उधर से, थोड़ा कुछ फंडामेंटल सीख लेते हैं, टेक्निकल सीख लेते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट इस माध्यम से चलते रहते हैं। और जो सबसे अच्छा जो ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जिनको टेक्निकली काफ़ी अच्छे साउंड काफ़ी साउंड होते हैं, फंडामेंटली दे नो इज, दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द स्किल्स, दे फॉलो द रूल्स, डिसिप्लिन होते हैं और उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो करीब 40-50% जाते हैं, दैट इज़ अ लेवल। ओके, जबकि अमेच्योर ट्रेडर्स लगता है कि उन्होंने इधर उधर सीखा है, लेकिन दे आर नॉट, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है और दे हैव द ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, उस लेवल पे पहुंचना है, तो 3-4 साल की मेहनत लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेच्योर ट्रेडर्स पैसा नहीं करते, करते भी है, लेकिन स्लोली स्लोली उनका रिटर्न्स बढ़ता है। ओके, और उस सबसे ऊपर आ जाता है जो मास्टर ट्रेडर्स, जिनको ये प्रोफेशनल ट्रेडर से भी ऊपर आते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मार्केट के अलग अलग फेजेस देखे हैं, जो क्रैशेस देखे हैं, एंड दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। ओके, उनको पता है कि मार्केट नीचे भी जाएगा तो ऊपर आना ही है उसको, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मार्केट के 100 ईयर्स की हिस्ट्री में मार्केट नीचे गए और नीचे के नीचे रह गए, ऐसा नहीं है। एंड देन दे टेक द एडवांटेज ऑफ फॉलिंग मार्केट। तो कई बार देखा है कि जो रिटेल ट्रेडर चेस करते हैं, जैसे प्राइस बढ़ रही तो वो चेस करते हैं, लेकिन ये कभी चेस नहीं करेंगे, जब मार्केट बढ़ रहा हो तो एंट्री नहीं करेंगे, वो चुपचाप शांत रह बैठेंगे, और जब मार्केट गिरता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वही उनको पैसा कमाने का अच्छा मौका मिलता है। तो बिकमिंग मास्टर ट्रेडर्स, आप, मैं हमेशा क्रिकेट और ट्रेड स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन करता हूँ कि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि आप, कई लोगों को लगता है और अंडर एस्टिमेट क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में है ही क्या है कि एक बॉल है, बैट है, बैट से बॉल को मारना है। आज इंडिया में करीब करोड़ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग, गिने चुने लोग जो है वो मास्टर क्यों बनते हैं, जैसे सचिन है, विराट है, रोहित है, या कुछ है लोग है, उन्होंने क्रिकेट को सीखा, उन्होंने समझा, इतनी प्रैक्टिस की, मेहनत की, जिसके कारण आज क्रिकेट के माध्यम से करोड़ रुपए कमाते हैं। एग्जैक्टली द सेम रूल अप्लाइज टू द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि जैसे एक हायर द लर्निंग हायर द अर्निंग, जितना आप सीखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करेंगे, उतना आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर कोई सीधा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है विदाउट लर्निंग, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एक्सपीरियंस, उसका लॉस होना तय है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में ऐसे भी कुछ लोग हैं, इंडिया से है, इंडिया के बाहर भी है। आप वॉरेन बफेट को जानते हैं, ही स्टार्टेड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 16, जो स्कूल में थे तब से उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, $80 बिलियन की उनकी है, एंड एवरीथिंग कम्स टू द स्टॉक मार्केट। आप राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी भी जानते होंगे, अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जस्ट 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं और आज उनके पास बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ बनी है। दमानी आप डीमार्ट के मालिक है, एक और कुछ लोग हैं, एंड दीज आर ऑर्डनरी पीपल्स एंड दे क्रिएटेड दैट बेस। ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट एंट्री की, उन्होंने काफ़ी सीखा, पढ़ा, प्रैक्टिस की, जिसके कारण आज
और जैसे फ्यू एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स आप मार्केट में देखेंगे। तो मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे आप दुनिया में देखेंगे कि एक कॉमन लॉ है, 80-20 का लॉ बोलते हैं उसको, है 20-80 का लॉ। सो 20% पीपल आर रिच, 80% पीपल आर पुअर। दुनिया के जो 20% प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय 80% पीपल, एग्जैक्टली सेम लॉ अप्लाइज हियर। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो 80% पीपल लूज करते हैं, दैट इज़ अ रियलिटी। ओके, और जो 20% लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं, जिन्होंने लूज़ किया वो सारा पैसा उनके पास जाता है। तो जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंट्री करते हैं और काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आके पैसा लगा के, उनका कोई फायदा नहीं है। और एक रूल है स्टॉक मार्केट का, जो भी लोग सिर्फ एंड सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको कभी पैसा बनता नहीं, वो लूज़र ही बन जाते हैं। और जो लोग सीखने के माध्यम से स्टॉक मार्केट से आते हैं, जो सीखते हैं और उसके बाद प्रॉफिट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, प्रॉफिट का हम उसको बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट बनना ही है। लेकिन आप बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस, बिना स्किल एंट्री करते तो पैसा बनेगा नहीं। दैट इज़ अ रियलिटी ऑफ एवरी सेक्टर। आप जॉब में भी देखो, आप एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, स्किल ले तो भी आपको अच्छी सैलरी आती है, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता उल्टा है कि हम कुछ ना करते हुए स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं और हमें लूज लूज का साम लॉस का सामना करना पड़ता है। तो देन क्वेश्चन कम्स कि हाउ वी कैन डेवलप दैट। तो सबसे आई मीन दैट इज़ अ प्रूवन स्ट्रैटेजी कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे, नए हैं आप, अगर आपको कुछ नॉलेज भी है, स्किल्स है, कुछ स्टार्ट किया है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले नॉलेज एंड स्किल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप जो लॉसेस करेंगे, दैट लॉसेस कम्स इन टू लैक्स एंड लैक्स, जो इन्वेस्ट में अगर हम नॉलेज और स्किल में नहीं करते, उसके तुलना में काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दैट, पीपल टेक इट वेरी लाइटली, एंड दैट्स द रीज़न कि एक प्रूवन फैक्ट है 80% लोग क्यों लॉस करते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। तो स्टॉक मार्केट एक ओशियन की तरफ है, कभी वो शांत रहता है, कभी वो टर्बुलेंट बन जाता है, और कोई भी समुंदर में स्विमिंग करना आसान नहीं है, जिनको जमता है वही कर सकते हैं। और ये अभी एक सीखने है, सीखना है, जैसे कि एक जर्नी है, कंटिन्यूअस सीखना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि आप एक चीज़ ट्राई करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, बाद में ऐसे करते करते सालों साल लग जाएंगे। बट ऑलरेडी देर आर प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, प्रूवन वेज है। अगर आप किसी मेंटर्स के अंडर में, गाइडेंस के अंडर में आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपका जो रिजल्ट्स जल्दी आएगा, आपके लॉसेस भी कम हो जाएंगे, आपका समय कम लग जाएगा, एंड देन योर कॉन्फिडेंस विल सी ग्रो। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड विद दैट ऑब्जेक्ट, वी स्टार्टेड द स्टॉक मार्केट अकाडमी। और हमने कई सारे कोर्सेस उसकी तरफ से डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि हमारे पास अभी 3 लेवल के कोर्सेस है, जैसे कि एक है फाउंडेशन प्रोग्राम्स, दूसरा है प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और तीसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। और डिलीवरी मोड्स, किस तरह प्रकार से हम कोर्सेज डिलीवरी करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के पहले सारा कुछ ऑफलाइन था। अगर आपको पुणे में ट्रेनिंग लेना है तो पुणे की कोई इंस्टीट्यूट है जो घर से आपके 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहाँ ट्रेनिंग लेते थे। ऑनलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे कोरोना के बाद सारा कुछ बदल गया और उससे फ़ायदा भी हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। आज जरूरी नहीं कि आप पुणे के इंस्टीट्यूट में, आप बॉम्बे के भी लोग हैं, पुणे के हैं, नागपुर के हैं, या अहमदाबाद, कहीं के लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आई हैव द स्टूडेंट फ्रॉम द दुबई हु आर ज्वाइनिंग माई क्लासेस। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा है कि आज पीपल आर बिजी इन देयर जॉब डे टाइम्स, उनको टाइम नहीं है, वर्कलोड बढ़ गया है, बट दे कैन ज्वाइन द क्लासेस ऑनलाइन एट द नाइट टाइम्स। दैट इज़ द कंसेप्ट नाउ, डे टाइम के क्लासेस बंद हो गए, नाइट टाइम क्लासेस चलते हैं। और तीसरा एक मोड है कि हाइब्रिड मोड, जिसमें जो पुराने जो ट्रेनिंग हुए, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग है, उसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होता है, एंड देन यू कैन टेक दैट क्लास एट एनी टाइम्स। और साथ में उसमें एक ऑनलाइन लाइव भी प्रोग्राम चलता रहता है, ताकि आपने जो रिकॉर्डेड सेशन अटेंड किए हैं उसके बाद फिर आपको थोड़ा रिविजन भी हो जाता है। सो दिस इज़ अ हाइब्रिड मोड। तो अलग अलग प्रकार के मोड्स हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है, जो स्टॉक मार्केट फाउंडेशन प्रोग्राम, तो जो लेवल्स आता है बेसिक प्लस इंटरमीडिएट, या इट्स नॉट अ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम में सिर्फ हम बेसिक स्टॉक मार्केट सीखते हैं, लेकिन इसमें हम
आप फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, ट्रेडिंग टूल्स है, लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस लेते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ फाउंडेशन प्रोग्राम। विद दिस अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप स्लोली स्लोली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और ये लाइव क्लास रहेगा, लाइव और इंटरेक्टिव क्लास रहते हैं, और इट इज़ अ 1.5 मंथ्स क्लास, 6 वीक्स रहता है। वीकली 4 सेशंस होते हैं और एक सेशंस करीब 1.25 घंटे का सेशंस होता है। और उसके अलावा अगर कोई क्लास मिस भी कर जाता है तो वी हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास, तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, अगले दिन मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग रिलीज की जाती है ताकि अगर आपका कोई क्लास मिस नहीं। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड लाइफ टाइम एक्सेस टू द ऑल रिकॉर्डेड सेशन। अगर आपको बाद में भी कोई सेशन रिवाइज करना है, उसको रिविजिट करना है, तो आप कभी भी जाके रिविजिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ प्रोग्राम फॉर द बिगिनर्स, जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी एंट्री की है, जो सीख रहे हैं लेकिन जो सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं सीख रहे, वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन वीडियोस का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होता है। जो यूट्यूबर्स का, उनका खुद का पैसा कमाना, लोगों को व्यूज़ लेना होता है। सो अगर सिस्टमेटिक रूप से आपने सीखा नहीं है तो दैट इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि आपका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह होती है, एंड देन दिट फॉर्म्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। जिन लोगों को लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा आता है, ट्रेडिंग करता है, और आपके सक्सेस मिल रहे होंगे, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, उनके लिए ये प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोग्राम है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का उद्देश्य होता है कि आपका जो प्रॉफिट है काफ़ी हाई लेवल तक बढ़ जाता है, कि जैसे आई ऑलरेडी इन दैट लेवल्स, कि जैसे कि रिटर्न्स आपके 40-50% तक चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग लेवल पे काम करना पड़ता है। जैसे कि पूरा फोकस हम प्राइस एक्सचेंज पे जाते हैं, चार्ट एनालिसिस है, पैटर्न्स है, कई एडवांस टूल्स आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फ्री वाले टूल से आप पे नहीं चलते, आपको सालाना कुछ सब्सक्रिप्शन आते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ते हैं, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सेशंस मैंने पिछले महीने कंप्लीट किया था, 1.5 महीने का। अभी मैं हाइब्रिड मोड में ये सेशंस कर रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है कि उनको स्टॉक मार्केट आता है और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और उनके साथ फिर मेंटरिंग चलती है, गाइडेंस चलता है कंटिन्यूस। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको, अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको 2-3 साल कम से कम लगाने पड़ते हैं, इतनी प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर पर बनते हैं, और उस लेवल के आपके प्रॉफिट भी बनते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ता है। और सबसे नेक्स्ट लेवल पे है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अनफॉर्चुनेटली कई लोग मैंने देखे हैं जो नए हैं, उनको कुछ स्टॉक मार्केट भी पता नहीं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में एंट्री करते और काफ़ी लॉस करते, काफ़ी लॉस करते। तो आजकल सेबी ने भी एक गाइडलाइंस दी है, जब भी आप कोई आप ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन करते तो वहाँ पे आप बड़ा लेटेस्ट में लिखा रहता है फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, तो 90% पीपल आर मेकिंग लॉसेस। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, तो आप उसमें एंट्री मत कीजिए, और दिस रिक्वायर्स एंटायरली डिफरेंट अप्रोच। क्योंकि ये मार्केट काफ़ी फास्ट होता है और उसमें लॉसेस भी फास्ट होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन जिनको जमता है उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को लगता है कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आई मीन जरूरी नहीं कि आप उसका सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो उसमें हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, अल्गो ट्रेडिंग का सहारा लेने पड़ेगा आपको, एडवांस ट्रेडिंग टूल्स होते हैं, काफ़ी सारे एनालिटिकल टूल आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ डिफरेंट एरिया। अगर आप पहले स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो फिर आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ जर्नी। सो रिसेंटली वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम चाहते हैं कि आपको लर्निंग का अच्छा एक्सपीरियंस दे, सो वी हैव ऑटोमेटेड जो कुछ भी कोर्सेस हमारे आते हैं, सो दैट इज़ गोइंग थ्रू सम प्लेटफॉर्म। तो आपको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएंगे, आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, सारे कुछ जो ट्रेनिंग कंटेंट्स है वो भी आपको उस साइट्स पे मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ ऑटोमेशन वी हैव डन रिसेंटली। ओके, जो हाइब्रिड मॉडल्स है हमारे, कई सारे कोर्सेज उसे थ्रू रन होते हैं, और जो ऑनलाइन मॉडल्स है उनके जो रिकॉर्डेड सेशन आपको यहीं पे मिल जाएंगे, और जहाँ से आपको लाइफ टाइम एक्सेस लेके यू कैन देन हैव दिस सेशंस फॉर द होल लाइफ। ओके, सो कमिंग टू अस, वी आर डिफरेंट, वी बिलीव इन शेयरिंग द नॉलेज, शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस, और इंटरेक्टिव लर्निंग पे हम काफ़ी विश्वास करते हैं। क्योंकि जो थ्योरी सीखते हैं, थ्योरी से स्टॉक मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये सीखना चाहिए, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिस है, स्किल्स है, उसके ऊपर जो नॉलेज शेयरिंग है, ये इंटरेक्टिव वे से होता है।
एंड आई एम कंडक्टिंग वेरी लिमिटेड प्रोग्राम्स, मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेडर्स हूँ. ओके, और मैं ये जो क्लासेस रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं खुद कंडक्ट करता हूँ. एंड वी ऑल्सो गिव एक्सपोजर टू लाइव मार्केट. तो जो ऑनलाइन क्लासेस नाइट टाइम में होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको महीने में एक दो बार आपको लाइव मार्केट में भी आने को चांस मिलता है. डिलीवरी मेट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन, वी कैन ऑल्सो गो फॉर ऑफलाइन, लेकिन वहाँ पर उतनी संख्या में लोग आना चाहिए. पीपल आर नॉट कम्फर्टेबल टू कम टू द क्लासेस. ओके, कंपेयर टू अदर्स इंस्टीट्यूट आवर फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी अफोर्डेबल, जिसके बारे में मैं बात करूँगा. एंड इट्स नॉट जिसकी कोर्स ख़त्म हो गया तो आपका सब कुछ ख़त्म हो गया. कई बार ऐसा ही होता है कोर्स ख़त्म होने के बाद, बट वी प्रोवाइड अ कंटिन्यूस गाइडेंस. कभी भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े या अगर आप कुछ सीखना है, कुछ प्रैक्टिस करना है, तो वी आर अवेलेबल. दैट इज़ हाउ वी कैन बिल्ड. लेकिन कोर्स करने से फ़ायदा नहीं होता, आपको कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं. सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन सो मेनी पीपल्स, आई मीन्स पीपल्स फ्रॉम आई मीन डिफरेंट प्लेसेस, हु आर एंटरप्रेनर्स, हु आर ब्यूरोक्रॉट्स, जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े कंपनी में अच्छे अच्छे पोजिशंस पे है, हाउस वाइफ है, एंड एवरीबडीज फीडबैक इज़ क्वाइट गुड. उनको लग रहा था कि अगर ये 5 साल पहले हम कुछ कर लेते तो और कुछ कमाए, तो दैट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल. ओके, रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट अकेडमी, आई बिलीव यू माइट हैव विजिटेड अवर वेबसाइट, लेट मी वॉक यू थ्रू दैट वेबसाइट क्विकली. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी, माई डिटेल्स आर गिवन हीयर. वॉट आर द कोर्स ऑफरिंग, कौन कौन से कोर्सेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. Recently we started opening the branches at different locations. We have branches in Pune. We also got a new branch in Mumbai Ghatkopars. अगर आपको courses के बारे में लोगों के views, testimonial जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए है. और अगर आप view more testimonial जाएंगे तो कई सारे जो लोग हैं जिन्होंने इस courses के बारे में बताया है कि how they are benefited. And these are all top peoples. I mean some are scientists. This person is a scientist in ICRISAT Hyderabad. He is a certified financial planner, okay, and he is a director of one of the industries. And recently, they completed a professional trader programs, and they have given their views. So you can also go through that, okay, as you get times.